और बरेली से एडीजे के यहां से वापसी के समय आपको बता दें कि अली हसन की गाड़ी बनी आग का गोला, और आग का गोला बनने के बाद आपको बता दें कि गाड़ी में अचानक आग लग गई। हालांकि अली हसन का ये कहना था कि तिलहर के पास में टायर पंचर हुआ, और जब टायर पंचर हुआ तो टायर को पंचर करने के लिए बदला उसी समय गाड़ी में आग लग गई। हालांकि आग लगने के बाद आनन फानन संभलने का मौका ही नहीं मिला, और ना मौका मिलने के बाद आपको बता दे तत्काल गाड़ी में लगी आग, और फिर क्या हुआ हम आपको विस्तार से दिखाते हैं। हालांकि आपको बता दें कि अली हसन के होश और आवाज बिगड़ चुके थे, लेकिन जब उससे पूछा तो उनका कहना था, रास्ते में मिला हम लोगों ये पुल कौन सा पड़ता है, वहाँ पे जो था मेरा टायर भस्ट हुआ, उसके बाद में पंचर बदला, यहाँ तक के आए तो हेडलाइट एकदम से बुझने लगी। गाड़ी मैं चला रहा था, ये बगल में बैठे हुए थे, बोला भाई धुआं निकल रहा है, जैसे ही रोकी गाड़ी वैसे ही जो था फिर आग आग शुरू हुई थी। हम लोग गाड़ी से उतरे, मट्टी डालने लगे, तो भैया अग्रवाल भैया कहाँ गए हो, भैया ने जो था फिर जो था मतलब हम लोग को हटाया कि गाड़ी से हटिए आप दूर, उतनी देर में गाड़ी सब जल गई। सर गाड़ी कौन सी थी? मर्सिडीज। अच्छा सर आपका शुभ नाम? अली अहमद। कहाँ से आ रहे थे सर? हम एडीजे साहब के घर से बरेली से आ रहे थे, लखनऊ जा रहे थे कानपुर होते हुए।